हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बसु की लाइफ। तो बसु की लाइफ में आप लोगों बहुत सारे स्वागत है। तो आज जो पूजा थी बट सावित्री पूजा थी, तो हमने यहाँ पे आए हैं बट सावित्री पूजा के लिए। मेरी पहली पूजा है ये, शादी के बाद ये सुहागन के लिए होता है, अपने पति के लिए रखा जाता है। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे पूजा होता है, और पहले मैं सूट भी नहीं कर पाई क्योंकि मुझे ना थोड़ी तबीयत ख़राब सा लग रहा था, मन नहीं कर रहा था। और फिर मैं जल्दी जल्दी नहा वहा के रेडी हो गई और ये सो रहे थे तो ये सूट नहीं किए। तो मैं स्टार्ट क्यों, जहाँ पे पूजा करने गई थी वहाँ से हमारा वीडियो स्टार्ट है। तो आप लोग वीडियो का फुल एंजॉय करिए, वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ेदार वीडियो है। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम अपने पति को कैसे, मतलब क्या होता है, कैसे खिलाया जाता है, मतलब यहाँ तो बट सावित्री पूजा है तो यहाँ पे हमने जहाँ पे पूजा करने गए थे वहाँ का पूरी वीडियो है। तो फिर भी वीडियो एंजॉय करिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा हम जो अपना चंदन के साथ कैसे पूजा वगैरह, कैसे उनको फ्रूट वगैरह खिलाए हैं, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा। तो इस ब्लॉग को भी फुल एंजॉय करिए, बहुत ज़्यादा मज़ेदार वीडियो है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कॉमेंट करिएगा। और हम आए हुए अपने फ्रेंड के घर में न्यू अशोक नगर में, क्योंकि हमें कुछ आइडिया नहीं था कि मतलब बट सावित्री पूजा कैसे किया जाता है, कभी लाइफ में किए नहीं, मेरी पहली पूजा है तो हमें कुछ पता नहीं था। तो इसने बोले कि चले आओ यहाँ पे, मैं तुम्हें बताऊँगी। तो मैं सोची चलो यार चली जाती हूँ, यहाँ पे साथ में भी पूजा हो जाएगा, थोड़ा अच्छा भी लगेगा, अकेले अकेले पूजा करना सही नहीं लगता नहीं है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा कैसे कैसे पूजा हुआ है। और हमारा जो लुक है, ये जो होता है ना पहली जो बट सावित्री पूजा होती है ना, कोई भी पहली पूजा होती है उसमें ब्याही साड़ी पहना जाता है, जो शादी में चढ़ा हुआ साड़ी होता है वो। तो हमने वही साड़ी वेयर की, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी इस साड़ी से क्योंकि इतनी ज़्यादा हैवी है ना, इतनी परेशान हो रही थी ना, फिर भी मैं किसी तरह से पूजा कर ली हूँ। और चलने में तो बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रहा था। तो यहाँ पे हम फेरे ले रहे हैं, जो कि 5 फेरे लिए जाता है कलावे से। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हम अभी फेरे ले नहीं रहे हैं, वह स्टार्ट करेंगे फेरे लेने के लिए। मतलब सारे लेडीज़ वगैरह सारे लोग ले रहे थे फेरे, और हम थोड़ा लेट भी हो गए थे क्योंकि 7:30 बजे तक हम पहुँचे, 7 बजे पहुँचे ही थे न्यू अशोक नगर, तो थोड़ा लेट हो गया था। 7:30 बजे हम पूजा करने के लिए निकले थे, बट कोई नहीं, सब ठीक ठाक हुआ, मैं अच्छी से पूजा कर लूँ। बहुत ज़्यादा रश भी था, आप लोग भी देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा रश था। और जहाँ पे पूजा होता है सुहागनों के लिए तो वहाँ पे तो थोड़ा सा रश होता ही है। तो हम लेने वाले हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना फेरा, 5 फेरे लेते हैं। उसके बाद फिर फेरे लेने के बाद पंखा हौका जाता है, क्या क्या रस्म होता है, बहुत सारे रस्म होता है। आप तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो के आप देखते जाइएगा, सब कुछ पता चलेगा कि कब क्या कहाँ पे कैसे रस्म होता है। तो अब हमने कलावे निकाल लिए फेरे लेने के लिए। तो आप देख सकते हो इसमें गिट्ठी नहीं पड़ना चाहिए, कलावे में ऐसा ही फंसा करके फेरे लेना होता है। तो आप देख सकते हो कि हम फेरे के लिए स्टार्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पर देखो मैं फेरे ले रही हूँ, तो 5 फेरे लेते हैं। तो हम 5 बार फेरे पहले ले लेंगे, अभी तो मेरी पहली फेरा हुआ है। तो 5 फेरे लेने के बाद फिर आगे फिर स्टार्ट करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो आप लोग वीडियो एंजॉय करिए। हाँ गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ सारा शेयर करिए, लाइक करिए। और बहुत अच्छा अच्छा बहुत प्यारे प्यारे वीडियो मिलने वाले हैं, जो कि बहुत धमालेदार वीडियो है। हमारे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है कि हम अपलोड करें, बस मेरे पास वीडियो सारा रिकॉर्ड है, बस अब उसे एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा, अपलोड करने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा। जैसे टाइम मिलता, जैसे हम फ्री होते हैं ना, वैसे वैसे हम वीडियो सारा A to Z वीडियो डालेंगे। आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिएगा वीडियो, खूब सारा लाइक करिएगा, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है अगर वीडियो, मतलब वीडियो पर लाइक वगैरह जाता, व्यू वगैरह जाता, तो अच्छा लगता है अपलोड करने में। तो आप लोग पे डिपेंड करता है, अगर अच्छे से प्यार करिएगा, लाइक दीजिएगा, तो आगे वीडियो में तो बहुत सारा वीडियो बना हुआ है बट अपलोड नहीं हो रहा है, एडिट करने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मैं अकेले पड़ जाती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे वीडियो एडिट करूँ, अपलोड करूँ, सारा काम भी हो जाता है। तो कोई नहीं, जब तक मैं अभी ऑफिस नहीं जा रही तब तक मेरा कोशिश रहेगा कि पर डे हम एक वीडियो अपलोड करें।
और यहाँ पे क्या होता है कि 5 सुहागन के सिंदूर लगाया जाता है, मतलब 5 सुहागन के सिंदूर लगाकर पैर छुआ जाता है। तो मैं इसे, मेरी फ्रेंड है, मैं इसे सिंदूर लगा रही हूँ, फिर ये मुझे लगाएगी, फिर और 5 सुहागन के लगाऊंगी सिंदूर। तो आप देखते रहना वीडियो, क्योंकि बहुत बहुत सुंदर लगा मुझे। पूजा करने में तो ऐसे भी बहुत मन करता है, मैं बहुत ज़्यादा पूजा करने में एक्टिव रहती हूँ। हाँ, तबीयत भी ख़राब रहेगा, फिर भी हम पूजा करने के लिए अगर कोई बोल दिया तब तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। तबीयत अपना जगह पर, पूजा अपना जगह पर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पूजा करने के लिए। और ख़ास करके मेरा पहला वट सावित्री पूजा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं, अब हम इसका मतलब सिंदूर लगा दिए हैं। और फिर ये बोल रही थी कि मुझे ना ये वाला मतलब नॉर्मल सिंदूर भी लगा दो। तो फिर हमें बोली कि लगा दो, तो फिर हम बोले मैं पहले मेरे ब्याही सिंदूर लगा दो, उसके बाद फिर नॉर्मल सिंदूर लगाई। फिर बाहर से ये आंटी थी, तो ये भी आई, तो मुझे लग रहा था वो देख रही थी कि मतलब इन्हें सब लोग, जितना लोग होते हैं सब लोगों को 5 लोगों का मांग मतलब भरना होता है। तो इन्हें तो यहाँ पे हम दोनों मिल गए, तो 2 लोग तो इनका हो ही गया था। हम देख रहे थे, हमें पता नहीं था कि ये भी रस्म किया जाता है, बट मुझे अच्छा लगा देखने में। फिर हम लोग भी ढूंढ रहे थे कि 5 सुहागन को मतलब हमें भी मांग भरना, तो पूजा करने के बाद ही भर सकते हैं मांग, पहले हम मांग नहीं भर सकते हैं। तो बहुत लोग अभी फेरे भी ले रहे थे, बहुत लोग मांग भी भर रहे थे, बहुत लोग पूजा करके चले भी गए थे। और यहाँ पे मेरी बिंदी गिर गई थी, क्योंकि सिंदूर लगा ना तो बिंदी में लाइट कम रहता था, तो बिंदी मेरा गिर गया। तो मैं ढूंढ रही थी यार मेरे बिंदी कहाँ गिर गया, फिर नहीं मिला। मैं बोलूँ कोई नहीं, मैं जब मिलेगा तो घर जा करके फिर बिंदी लगा लूँगी मैं, तो बोले कोई नहीं रहने दो। और ऐसे होता है कि सिंदूर लगाने के टाइम में ना, जब सिंदूर लगाते हैं ना, तो बिंदी थोड़ा सा बिंदी में लाई कम रहता है, तब बिंदी गिर जाता। फिर हम लोग ने ढूंढ रहे थे कि अब 5 सुहागन किनका पूजा खत्म हुआ तो सिंदूर लगाएंगे, तो आपस में बातें कर रहे थे और देख भी रहे थे कि किनका पूजा समाप्त हुआ कि चले हम लोग सिंदूर लगाने के लिए। फिर ये आगे जाती थी, मैं पीछे से रहती थी, क्योंकि मेरी पहली बार थी, तो मुझे कुछ पता नहीं था, कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे पूजा किया जाता। तो ये पहले आगे पहले सिंदूर लगाती थी, पीछे से मैं भी लगाती थी सिंदूर पर, जिसे जिनको ये लगाती थी उनको मैं भी लगा देती थी, तो मेरा भी 5 मतलब पूरा हो जा गया। तो फाइनली यहाँ पे मतलब सिंदूर लगाना स्टार्ट करती हैं, और 5 सुहागन के लगाना होता है, 5 सुहागन के सिंदूर लगाना होता है। और मतलब सबको लगा ही दिए, ऑलमोस्ट ये लास्ट है। हम ढूंढ रहे थे अपने फ्रेंड को कि कहाँ गई हुई है, तो बट यहाँ फिर नज़र आई कि यहाँ पे वो सिंदूर लगा रही है, तो मैं भी यहाँ पे आ गई, बोली कि चलो ये लगा ली, उसके बाद मैं भी लगा देती हूँ। फिर ये लगाए, उसके बाद मैं भी लगा दी उनको सिंदूर, उसके बाद मेरा ऑलमोस्ट 5 हो गया था। फिर हम बोले कि चलो यार अब तो 5 सुहागन का सिंदूर लग ही गया, अब हम लोग चलते हैं। तो फिर अब सिंदूर वगैरह तो हम लोग का कंप्लीट हो गया, फिर आगे के जो रस्म होता है वो आप लोग देखिए कि क्या क्या होता है। मतलब यहाँ पे भी वट सावित्री पूजा जो होता है, वहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास